रामचरितमानस में एक चौपाई है, आपको भी याद होगी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। आगे आप बोलो, सकल ताड़ना। इस चौपाई को ना लोग गलत अर्थ करके इसकी व्याख्या, कई लोग कहते हैं तुलसीदास जी गलत थे, उन्होंने तो ऐसा लिख दिया। अरे भाई आप जानते नहीं तो हम क्या करें। ढोल ढोल गवार शूद्र पशु नारी, पांच चीजों के बारे में लिखा है कि सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है ये बताइए, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है आप बताइए। मैया, ओ मेरी मां, ताड़ना मतलब क्या, ताड़ना मतलब क्या भैया जी आप बताइए। ताड़ना मतलब मारना नहीं, ताड़ना मतलब होता है देखना। ताड़ना मीन्स क्या होता है, देखना। क्योंकि आप इंग्लिश में जाइए, इंग्लिश में सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है, हाँ या ना। वाक्य एक है पर अर्थ दो हैं। यदि इंग्लिश एक वाक्य के साथ दो अर्थ एक्सप्लेन कर सकती है तो क्या तुलसीदास जी करेंगे तो गलत है उनका करना। अरे भाई भारत को जानना है तो भारत की भाषाओं को पहचानिए। ये वही भारत है जहां कहावत कही जाती है कि कोस कोस में पानी बदले चार कोस में वाणी। आप राजस्थानी हो ना, राजस्थान में जयपुर की भाषा अलग है, चित्तौड़ की भाषा अलग है, यहां सीकर की भाषा अलग है, भले राजस्थान है, अलग है या नहीं, हाँ या ना। हाँ, हमारे राजस्थान में ही 50 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, फिर गुजराती अलग, फिर महाराष्ट्रियन अलग, फिर तमिल अलग, फिर हिंदी अलग, मलयालम अलग, पंजाबी अलग, हरियाणी अलग। इतनी भाषाओं को जब आप जानेंगे तब किसी का अर्थ कर पाएंगे। तुलसीदास जी को सारी भाषाओं का नॉलेज था, उन्होंने पूरे देश का पहले भ्रमण किया है, फिर रामचरितमानस बुढ़ापे में लिखी है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना मीन्स मारना नहीं, ताड़ना मीन्स देखना। ये कहां की भाषा है, मध्य प्रदेश में आप चले जाइए भोपाल, मध्य प्रदेश में आप चले जाइए सागर तमोह, वहां पर यह भाषा का बहुत प्रयोग होता है। ताड़ लिया मतलब फलाने ने देख लिया, अरे फलाने ने ताड़ लिया मतलब देख लिया। क्या बोलते हैं, ताड़ना मतलब देखना। तो ढोल को, ये देखिए ढोलक हमारे पास रखी है, ढोलक बजती है, ढोलक ना बजते बजते सुर से उतर जाती, उसे देखना पड़ता, उतर तो नहीं गई, उतर गई तो चढ़ाना पड़ता, ढोल को देखना पड़ता है। गंवार आदमी को भी देखना पड़ता, गलत तो नहीं कर रहा है, शराब पीने वाला शराबी गलत तो नहीं कर रहा है, गंवार को देखना पड़ता। ढोल गंवार शूद्र, आप जब काम कराते हैं ना मजदूरों से तो मजदूरों को भी जरा खड़े होके देखना पड़ता है, आप नहीं देखेंगे तो काम नहीं करेंगे, तो देखना पड़ता है। ये नहीं कि अब लाठी उठाओ मारते रहो, देखो ढोल गंवार शूद्र को। इंजीनियर जो होता है ना, ये काम कराता है पर देखता रहता है, गुरुमाला से नापता रहता है, कहां गलत कहां सही, कहां सही कहां गलत। तो मारने का नहीं है साहब, देखने का। आप काम कराइए, इंजीनियर हैं, काम कराइए पर नजर बनाए रखिए, कहां गलत जोड़ दी दीवार, जोड़ दी तो इंजीनियर गिराता, चल गलत जोड़ी सही जोड़, देखना पड़ता है, नहीं देखोगे गलत हो जाएगा। तो ढोल गंवार शूद्र को देखना पड़ता है। और पशु, आपने कभी गाय चराई, नहीं चराई होंगी, गाय को चराओ ना उसे देखना पड़ता, फसल में तो नहीं चली गई, नुकसान तो नहीं कर रही है, देखना पड़ता है। ये नहीं कि अब लाठी उठाओ मारते रहो। और नारी, पांचवा नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी मतलब पत्नी, नारी मतलब माँ, नारी मतलब बेटी, नारी मतलब बहन। हाँ, जब स्त्री श्रृंगार करके आती है ना तो वो अपने पति की तरफ देखती है इस भाव से कि मेरा पति भी मुझे देखे, पर देखता ही नहीं, बेचारी सज धज के खड़ी होती है, बढ़िया साड़ी पहनती है कि पति देखे, पर देखते ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि अपनी वाली को देखते रहो, अपनी पत्नी को देखते रहो।
तो देखने का बोला है, मारने का नहीं बोला। पत्नी को देखो, उसकी थोड़ा तारीफ करो, दाल बनाई उसने, थोड़ा बोलो बढ़िया बनी है, भले अच्छी नहीं बनी बोल दो, उसको अच्छा लगेगा बेचारी को, उसको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। स्त्री को ना, स्त्री को तारीफ अच्छी लगती है, बोलना पड़ता है। देखते रहो और याद रखना, लड़की को ना पिता देखता है। शादी के बाद लड़की को जब वो कन्यादान हो जाती है तो नारी जो होती है ना, ये हमेशा नजरों में होनी, इसे देखते रहो, लड़की को देखते रहो। देखोगे नहीं तो उसको कोई उठाकर ले जाएगा, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उसे देखते रहो। मेरी बेटी कहाँ गई है, आज घर पे नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं आई, देखते रहो कहाँ गई है, क्यों गई है, नजर बनाए रखो। बेटी को देखो, पत्नी को देखते रहो और अपनी माँ को भी देखते रहो। ये माँ बुढ़ापे में चाहती है कि बच्चे मेरे चरणों में बैठकर, मेरे पास बैठकर कुछ समय व्यतीत करें और मेरे पास बैठे मुझे अच्छा लगेगा। तो माँ को भी देखते रहो, पत्नी को भी देखते रहो, बेटी को भी देखते रहो और आपकी बहन को भी देखते रहो। बस देखने का बोला है साहब, मारने का नहीं बोला। आपने चौपाई का अर्थ का अनर्थ, अब ताड़ना शब्द का अर्थ आप देखने से नहीं मारने से करेंगे तो अर्थ ही बदल जाएगा। अब आप देखिए, गुरु परंपरा से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आप अर्थ नहीं कर पाएंगे। एक राजा था, यहीं के थे, जयपुर के राजा। वो ना माड़ पिया करते थे। माड़ जानते हैं, चावल का पसाती थी माताएं, वाइट कलर का, सफेद कलर का लिक्विड पानी निकलता था, उसे माड़ बोलते हैं। एक राजा था, वो माड़ पीता था। एक दिन क्या हुआ, राजा बैठा था अपने मंत्री संत्रियों के साथ। माँ ने कहा, बेटे से बेटा माड़ तैयार है, ठंडा ना हो जाए, जाओ पिता को बुला के लाओ। बेटा गया तो पिताजी राज दरबार में बैठे थे मंत्रियों के संग। बेटे ने कहा कि यदि मैं पिता से कहूँगा कि पिताजी माड़ पी लो तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा राजा माड़ पीता। तो बेटे ने चतुराई से कहा, बेटे ने कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, जल्दी चल के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धानुपुर से माड़ू मतलब धान के चावल का जो माड़ है वो निकला है, जल्दी चल के मिल लो मतलब पी लो, नहीं तो शीतलपुर को मतलब ठंडा हो जाएगा। पिता ने सुना तो पिता को बात अच्छी लगी, पिता गया माड़ पी किया गया। पर वहां जितने मंत्री संत्री बैठे रहे, अब उनने दिमाग लगाया, भाई ये धानुपुर कहाँ है, होगा कहीं, ये माड़ू कौन है, बोले होगा कोई, बोले शीतलपुर कहाँ, बोले होगा कोई, पास में जल्दी मिलना होगा, मीटिंग होगी, नहीं तो शीतलपुर होगा, गाँव चला गया। सारे लोग अर्थ कुछ और ही लगाते रहे पर सही अर्थ कौन लगा पाया, केवल राजा। जो शास्त्रों को गुरु परंपरा से पढ़ेगा वही शास्त्रों का सही अर्थ कर पाएगा, और यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो शास्त्रों का गलत अर्थ हो जाएगा और आप गलत परिभाषाएं करने लगेंगे, गलत बात करने लगेंगे, फिर शास्त्रों का आप अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे।